नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संकल्प फाउंडेशन पिहोवा के प्रधान सुशील गुप्ता ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सफल बनाने में प्रत्येक हरियाणा वासी को अपनी भूमिका निभानी होगी। अभियान की शुरुआत जून से की गई। शहर में कई जगह नीम के पौधे लगाए गए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन पर जाल भी लगाया गया। संकल्प फाउंडेशन की ओर से 70 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। संकल्प फाउंडेशन के उप प्रधान अरुण गुप्ता और मेंबर विकास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने प्रत्येक देशवासी से कम एक पौधा लगाने की अपील की थी। पिहोवा से हमारे संवाददाता विनायक दत्त शर्मा की रिपोर्ट। कि अगर कोई पौधा खराब हो जाता है तो उस पौधे को रिप्लेस भी करें, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा संस्था का, उस कंपनी का जो ये काम करती है। उसके अलावा हमने जहाँ भी ये पौधे लगाए हैं वहाँ पे जो दुकानदार है या सामने घर है उनसे बात करके लगाए हैं कि भाई आप इनका ध्यान रख सकते हैं नहीं रख सकते। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जी आप पेड़ लगा, ये पौधा लगा के दिए हमें, इसको ग्रो करने की जिम्मेवारी होती है। तो जिनके घर के बाहर लगाए या दुकान के बाहर लगाए वो भी ध्यान रखेंगे, जिस कंपनी के थ्रू हम काम कर रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे, और उसके बाद हमारी टीम है वो भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा मेन मकसद ये है कि अगर ये पौधा लगा है तो ये पेड़ बने, और 50 लगाए तो 50 के 50 पेड़ हमें बनाने हैं। यही हमारा मोटिव है और इसी चीज़ को ध्यान में लेके काम कर रहे हैं और यही करेंगे। जय श्री राम। सर, आज जो आप ये पौधा रोपण कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये संकल्प फाउंडेशन पेवा का एक और कार्य है जो हमने प्लान किया था हम सब ने मिलकर, और उसको आज हम कुछ महीने करने प्लान करने के बाद आज हमने उसको बिल्कुल कार्यरत कर दिया है और आज हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। आज हम पूरे पेवा में अलग अलग जगह पे पौधे लगा रहे हैं, जिसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, हम इन्होंने बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन किया जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आज इसको हम इस प्रेरित होके और हमने ये पौधे लगाने शुरू करे हैं। देखिए, हमारे अंदर ये भावना इसलिए जागी क्योंकि हम कई बार यहाँ देखते हैं कि लोग परेशान होते हैं। आज भी हम धूप में खड़े हुए हैं, अगर यही आज यहाँ एक पौधा होता और उसके नीचे 5 लोग अगर छांव में खड़े होते, हमारे जानवर जो है वो भी बेचारे धूप में परेशान होते हैं। तो हमने सिर्फ प्लानिंग यही थी कि हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से, पेड़ों की महत्व हम समझते नहीं है। आज के टाइम में लोग लगाने की बजाय पौधे जो है पेड़ तोड़ने के में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि हमारे घर में गंद मच रहा है, हमारी जगह नहीं है। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, जब वो बड़े होंगे अगर उनको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? उस पैसे का, उस जायदाद का क्या करेंगे वो बच्चे अगर उनको सही वातावरण नहीं मिलेगा? तो एक अच्छा एनवायरनमेंट के लिए हमें पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, और मेरी सबसे यही गुजारिश है आप अपने घर के पास एक पौधा लगाइए, अपने बच्चों को प्रेरित करिए कि उस पौधे को बड़ा करना है। जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा वैसे ही वो पौधा बड़ा होगा, और जब वो बच्चा बड़ा होगा और उसको वो खुशी मिलेगी कि ये पौधा मेरे हाथ से लगाया गया। तो हमारी यही संकल्प फाउंडेशन की तरफ से यही था कि सुशील गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हमने ये कार्य पूरा किया है, आज हम इसको कर रहे हैं। और आसपास हम दूसरे लोगों से ये भी गुजारिश करेंगे, अगर कहीं आपको लगता है कि आपके आसपास पौधे लगाने चाहिए तो आप हमें कॉल करिए, हमारी संकल्प फाउंडेशन से संपर्क करिए, हम आपके वहाँ पे पौधे लगाने के लिए रेडी हैं। क्योंकि आपने पौधे ये किया कि हमने पहले पौधे अरेंज करे, पौधे लगाने के बाद हमने ये ग्रिल का काम भी करा है कि ताकि क्योंकि जानवर कहीं खा जाते हैं या फिर पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो हमने ग्रिल लगवाई है, ग्रिल खुद बनवाए हैं। ग्रिल लगवा के हमने जहाँ पे भी पौधे लगा रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे हैं, हमने लोगों को से पूछा, हमने अपने फेसबुक के पेज पे डाला था कि आप अगर हमें पौधा लगाना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। तो हमें अच्छा लगा कि शहर के बहुत सारे लोगों ने खुद कॉल किया, खुद मैसेज किया कि हम पौधा लगवाना चाहते हैं। तो हमने सबसे बड़ी चीज़, जैसे अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं संदीप गुप्त डिपू जी के यहाँ पे, इन्होंने खुद हमें कहा था कि हमारे यहाँ पौधा लगाइए, तो इन्होंने खुद जिम्मेवारी ली है कि ये इसको पानी देंगे, इसको जहाँ भी जरूरत होगी, देखिए जैसे अभी पानी दिया जा रहा है, तो ये सब इनकी जिम्मेवारी है, खुद जिम्मेवारी इन्होंने उठी है कि हम लगाएंगे। और इसके अलावा हमारी जो संकल्प फाउंडेशन है, हमने भी पूरी टीम बना दी है, हमने डिसाइड कर लिया है सबको, हम हर वीकली भी और फोर्टनाइटली भी, हम मंथली हम पूरा प्लान करेंगे जिसकी वजह से हम पौधों को बचा के रखेंगे। कितनी जगह पौधे लगा दिए आपने?
अभी हम ब्रह्मजून रोड पे लगा दिए, हमने थाना सदर के पास लगाने वाले थे लेकिन वहाँ कुछ जगह की प्रॉब्लम थी, बाहर नहीं लगा पाए, अभी यहाँ पे लगाए। उसके बाद हमने मॉडल टाउन में, अनाज मंडी में और सुपर मार्केट में जहाँ जहाँ हमें कॉल आई थी, हम वहाँ पहले हमने खुद जाकर लोगों से मिले थे, हम ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, लोगों के जिनके कॉल आए थे हमने जाके मिले, उनसे बात की कि आपके यहाँ लगाना है तो आप जिम्मेवारी आपको संभालनी पड़ेगी, उन्होंने हाँ करी तभी हम वहाँ पौधे लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।